इसी समय पारिवारिक मनोरंजन का मुख्य साधन माने जाने वाली सर्कस आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। इंटरनेट के प्रसार और सरकार की नीतियों ने सर्कस के कारोबार की कमर तोड़कर रख दी है। यह बात कैथल में जैमनी सर्कस के मैनेजर ने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए कही। सोशल मीडिया जब से एक्टिव हुई है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे सब लोग देख लेते हैं और लाइव एक्ट कोई नहीं देख पाता है। सर्कस में आके लाइव एक्ट दिखाते हैं कलाकार अपनी जान पे खेल के। आजकल सर यूट्यूब पर देख लेते हैं, इसलिए सर्कस में। और दूसरा टॉपिक है जानवर नहीं। जब से जानवर बैन किए गवर्नमेंट ने, सर्कस बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। सर्कस, आप लोग ने मेरा नाम जोकर पिक्चर देखी होगी, उसमें होता था सर्कस 3 घंटे का शो। पहला जवानी, दूसरा पहला बचपन, दूसरा जनाबी जवानी, तीसरा बुढ़ापा। सर्कस अब तीसरी स्टेज पे है, बुढ़ापे की स्टेज पे। इंडिया में लगभग 10-20 सर्कस ही बचे हैं जो भी अब आने वाले 4-5 साल में खत्म हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली, हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि 1-2 जानवर दे दिए जाएं और ग्राउंड राउंड सब जगह उपलब्ध कराए जाएं सर्कस के लिए, ताकि सर्कस ग्राउंड में सर्कस लगा सकें, जानवर हो, पब्लिक का मनोरंजन हो और सर्कस जिंदा रहे। ये एक पारिवारिक मनोरंजन कला है जो जिंदा रहनी चाहिए। इस सर्कस को लगभग 70 साल हो गए, बाकी ये सब जगह ऑल ओवर इंडिया चलती रहती है। आज पानीपत से चल के कैथल में आई है। अब कैथल में 1 महीना देखते हैं पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। जैमनी सर्कस पहली बार कैथल के हुड्डा कॉलोनी में 1 महीने के लिए लगाई गई है। जैमनी सर्कस में कुल 60 कलाकार दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। इन कलाकारों में अफ्रीका और नेपाल के अलावा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के कलाकार भी शामिल हैं। दर्शकों के बैठने की क्षमता 1800 है, जिनको 70 रूपए, 100 रूपए और 150 रूपए की 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सर, 1 महीने के लिए सर्कस आया हुआ है कैथल में, जो कि सेक्टर 19 हुड्डा ग्राउंड में पब्लिक रोड के पास चल रहा है। चार्जेस नॉर्मल चार्जेस हैं 70 रूपए, 100 रूपए, 150 रूपए। हमारे 3 क्लास हैं, 1800 पब्लिक बैठने की कैपेसिटी है, जो 3 क्लास रखे गए हैं, 70 रूपए, 100 रूपए, 150 रूपए। सर कैथल में पहली बार आई है, बाकी पूरे ऑल इंडिया ओवरी चलती रहती है। हमारे कैथल की पब्लिक का मनोरंजन करने के लिए हमारे सर्कस में 60 कलाकार जो कि अफ्रीका के हैं, मणिपुर के हैं, नेपाल के हैं, आसाम के हैं, और जोकर हैं जो पब्लिक को हंसाने का काम करते हैं। तो मेरा तो कैथल की पब्लिक से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा सर्कस देखें और कलाकारों की कला का देखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जैमनी सर्कस के कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।